हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगी जिन लोगों ने अपने पीएचडी का फीस सबमिट कर दिया है। सो यू आर वेरी लकी गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेट्स टू एवरीवन हु हैव टेकन एडमिशन इन योर पीएचडी और यू आर इन अ बेस्ट प्लेस आई कैन से। अभी आप लोग आ चुके हो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ की एक एक स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहली स्टेप, जब आप पीएचडी एडमिशन ले चुके हैं, देन यू हैव टू गो, देन यू विल गो टू द डिपार्टमेंट एंड योर अटेंडेंस विल बी स्टार्टेड एंड यू हैव टू फेस अ डीआरसी मीटिंग। व्हाट इज़ डीआरसी? डीआरसी इज़ डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी। नाउ what they will do, they will check how many students are there in your department. अब suppose आप वहाँ पे गए हो, इसी तरीके से हो सकता है तीन चार और लोग हों आपकी तरह जिन्होंने department में entry ली है, तो उस DRC meeting में सबसे पहली चीज़ तो आपका presence clear हो जाता है, because वो DRC के minutes जो होते हैं वो university को जाते हैं। उसके बाद आपका guide, आपका co-guide वहाँ पे डिसाइड होगा। ऑन पेपर योर नेम विल बी रजिस्टर्ड दैट दिस इज दिस विल बी योर गाइड, दिस विल बी योर को गाइड। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन डीआरसी मीटिंग इज दैट आपका एक टेंटेटिव टॉपिक डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वर्सेशन विद योर गाइड कि आप किस चीज़ पे काम करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वो इनिशियल एक टॉपिक को डिसाइड कर ले, उसके बेसिस पे आपको आगे काम कराए। सो बी केयरफुल, अगर आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, देन योर फर्स्ट एम इज़ टू फाइनलाइज योर टेंटेटिव टॉपिक, बिकॉज डीआरसी में जब एक टॉपिक चला जाता है तो उसको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, अगेन मीटिंग्स करानी पड़ती हैं, अप्रूवल लेने पड़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है। तो एक टेंटेटिव टाइटल एक ले लीजिए पीएचडी का, उसके बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट स्टेप पूरा करिए और जब ये टॉपिक और गाइड फाइनलाइज हो जाएगा तब आपकी एक सिनॉप्सिस सबमिट होगी, फिर कुछ टाइम के बाद सिनॉप्सिस प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगा। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स अगर आप डे वन से इसको सिंसियरली लेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको पीएचडी पता भी नहीं चलेगा एंड दिस इज़ योर करियर। यही आपका आपका गोल डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पे, आप कहाँ जाते हो, क्या अचीव करते हो पीएचडी में। टाइम सबके पास उतना ही होता है, कुछ लोग बहुत अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ पीएचडी अचीव करते हैं। सो इट्स योर डिसीज़न कि आपको सिर्फ पीएचडी की डिग्री चाहिए या उस डिग्री के साथ ऐसा प्रोफाइल चाहिए जो जिसको लेके आप दुनिया के किसी भी लैब में जा सकते हो या वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं। सो डिसीजन इज योर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, मैं आपके साथ हूँ, एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव टेकन देयर एडमिशन इन बीएचयू और एनी अदर यूनिवर्सिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।